नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। सुबह के 8 बज चुके हैं और एक बार फिर से जन अधिकार पार्टी के जितने नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो सभी सड़कों पर निकल चुके हैं और झाड़ू लगा रहे हैं सड़क पर, कचरा साफ कर रहे हैं खुद लगातार। इन तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हो किस तरीके से जितनी महिलाएं हैं, वो भी जितने पुरुष हैं, वो सभी हाथ में झाड़ू ले लेकर के रोड पर झाड़ू लगा रहे हैं। आइए चलिए चलते हैं हम इन युवाओं के पास और थोड़ी बातचीत करते हैं कि क्या सुबह से जब ये उठते हैं तो क्या इनके पास क्या लक्ष्य है। पहले इस वक्त प्रेमचंद जी हमारे साथ है। अच्छा, सुबह अभी आप उठे हैं तो आपके पास सिर्फ झाड़ू लगाने के अलावा कोई काम नहीं है क्या? भैया, जब सरकार के पास कोई काम नहीं है सोने के अलावा, आप समझ लीजिए कि ये बाढ़ त्रासदी और प्रलय त्रासदी के बाद जिस तरह से महामारी फैली है, पूरा मंदिरी डेंगू से त्रस्त है, महामारी से त्रस्त है, चिकनगुनिया, अब उसके अलावा आपको टाइफाइड, ये गंदगी सबसे बीमारी का कारण है। फिर तो स्वच्छता अभियान तो नरेंद्र मोदी भी चला रहे हैं। नरेंद्र मोदी का स्वच्छता अभियान फोटो खिंचवाने का अभियान है। अब समझिए, समुद्र किनारे पॉलीथीन चुनते हैं, ये अच्छा लगता है? इसलिए हम लोग वास्तविक जो सुरक्षा, जो आपका स्वच्छता अभियान है, हम लोग देखिए ना, यहाँ देखिए ना कैसे हमारे कार्यकर्ता जन अधिकार छात्र परिषद के सब लोग आपको लगातार सफाई में लगे हुए। ये हमारा लगातार 20 ट्रैक्टर और 4 जेसीबी से लगातार 3 दिन से चल रहा है कार्यक्रम। आज हमारा 3रा दिन है और इस तरह से लगातार जब तक दीपावली छठ बीता नहीं, हमारा चर्च जारी रहेगा। देखिए, ये जो संघर्ष है ये इनका जारी रहेगा। ये तस्वीरें जो हम तक पहुँचा रहे हैं, किस तरह से जो युवा हैं वो सभी कचरा इकट्ठा कर रहे हैं। तस्वीरें आप मेरे पीछे देख सकते हो किस तरीके से कचरा इकट्ठा किया जा रहा है और इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। हालांकि दिवाली और छठ का जो त्यौहार है वो नज़दीक है, लेकिन इन तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं। ये पटना में मंदिरी की तस्वीरें हैं जहाँ पर नाला के किनारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं और झाड़ू लगा रहे हैं, जेसीबी द्वारा कचरा साफ किया जा रहा है और इन सभी तस्वीरों से लाइव स्ट्रीम आपको रूबरू करा रहा है। सुबह होने के बाद ये काम हालांकि नगर निगम का है, लेकिन आखिर क्यों नगर निगम अपने वादों से फेल होता हुआ दिख रहा है, अपने कामकाज में फेल होता हुआ दिख रहा है? शायद यही वो वजह है जिस कारण से आम आदमी, जो जन अधिकार पार्टी के छात्र परिषद हैं, वो सुबह सुबह उठकर लगातार कचरा साफ कर रहे हैं और पप्पू यादव भी इस वक्त लगातार कचरे के बीच में हैं। हम थोड़ी सी इनसे भी बात करेंगे। सर, सुबह सुबह का समय है, क्या कर रहे हैं आप? कल भी आपने कचरा साफ किया था, कल आपका चालान भी कटा गया था। भैया, मैंने पहले भी कहा कि जो लोग कचरा निकालेंगे आप निकालिए और हम हर ट्रैक्टर पर 250 रुपया, दो ट्रैक्टर पर 500 रुपया, क्योंकि सरकार मस्त है कि फिर मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अमित शाह जी ने कह दिया विपक्ष मस्त है कि जात पात कर ही लेंगे, सरकार मस्त है हिंदू दुनिया हो ही जाएगा। तो इसलिए आप ही अपने सेवा में मस्त, बस मेरी जिम्मेदारी आम आदमी को बचाने की है। अभी चैलेंज है डेंगू, अभी चैलेंज है आम आदमी की जिंदगी, उस पर कोई समझौता नहीं। उसको मंदिरी से शुरू करेंगे और बढ़ते रहेंगे। किसी अधिकारी के घर पर डंप नहीं करेंगे जी? किसी अधिकारी के घर पर डंप तो नहीं करेंगे? नहीं, अधिकारी परिवार उस पर डंप क्यों करेंगे? देखिए, किसी अधिकारी के घर पर डंप नहीं करेंगे और पीछे अभी भी जेसीबी से जो कचरा इकट्ठा करने का जो काम है वो चल रहा है। लाइव स्ट्रीम सुबह सुबह आप तक ये तस्वीरें पहुंचा रहा है। इन तस्वीरों को देखने के बाद शायद आप भी समझ गए होंगे कि आपको भी लगता है आप घर से निकलना पड़ेगा इस सिस्टम में जो कचरा जमा है उसे सुधारने के लिए। लाइव स्ट्रीम देखते रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।